हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक न्यू मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7, मेरे ख्याल से अभी 7 बजे नहीं है, 7 बजने में 10-15 मिनट होंगे। और मैं आज ऐसे ही घूमने निकला हूँ, तो थोड़ा आसपास घूमूंगा फिर वापस घर चला जाऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो आपकी लॉन्ग राइड को और भी ज्यादा ईजी बना देंगी। तो ये रोड सीधा जाता है गुड़गांव के लिए, हम छतरपुर की तरफ चलते हैं। और जो इनमें से 2 चीजें होंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी, जो आपको रखनी ही रखनी है अपने साथ अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो। और जो बाकी की 2 चीज़ें वो एंटरटेनमेंट के लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये आ गया छतरपुर मंदिर, श्री आद्य कात्यायनी शक्ति पीठ मंदिर। लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह सुबह, और घर जाके मैं भी एक्सरसाइज करूँगा। तो जो पहली चीज़ है वो है पंचर किट। अब ये मैंने एक पहले वीडियो में भी बता रखा है और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि रास्ते में अगर आपका पंचर हो गया तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे पंचर टायर लेके। तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और पंचर लगाना भी बहुत ईजी होता है ट्यूबलेस टायर में, ट्यूब वाले टायर में तो बहुत ही ज्यादा झंझट है। तो ट्यूब वाले टायर में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है पंचर लगाना। पर अगर आपकी बाइक में ट्यूब वाले टायर डलते हैं और आप उसको लेके लॉन्ग राइड पे जाते हो तो उसका भी सामान लेके जाना, साथ में उसकी भी पंचर किट लेके जाना, ताकि इमरजेंसी में आप खुद लगा सको। पर इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ट्यूबलेस टायर की, क्योंकि आजकल ज्यादातर बाइक में ट्यूबलेस टायर ही आते हैं, पर जो टूरर बाइक्स होती है उनमें अभी भी ट्यूब वाले टायर आते हैं, जैसे हिमालयन एक्सपल्स। तो ट्यूबलेस की पंचर किट आ जाएगी आपकी 150 से 200 के बीच में, सस्ती वाली लेना। महंगी भी आती है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो महंगी ले लो, नहीं तो सस्ती भी उतना ही काम करती है जितना महंगी करती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है पंप। अगर आप पंचर किट ले जाते हो और पंचर बना लेते हो तो ये भी आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि पंचर के बाद हवा भी भरनी होती है। तो पंप बहुत सारे आते हैं, एक आता है हाथ से भरने वाला, एक आता है फुट पंप, और एक आता है इन्फ्लेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो, एक मीटर वाला भी आता है और बिना मीटर वाला भी आता है। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि महंगाई वाला लेना है, इलेक्ट्रिक वाला लेना है या फिर मीटर वाला लेना है, कोई सा भी ले सकते हो, ताकि आप उस टाइम हवा भर दो और वो थोड़ा आगे तक चल जाए। क्योंकि आपको पंप सिर्फ उस टाइम हवा भरने के लिए चाहिए, फिर आगे जाके किसी पंचर शॉप या पेट्रोल पंप में हवा चेक करवा लेना अपनी। तो इसलिए आप कोई सा भी पंप ले सकते हो, वो आपको इमरजेंसी में बचा लेगा। तो अब आते हैं तीसरी चीज पे। तो जो थर्ड चीज है वो है चार्जर। आप स्कूटी बाइक किसी से भी लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो स्कूटी बाइक में चार्जर जरूर लगवा लेना, क्योंकि रास्ते में अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आप चार्ज कर पाओगे उससे। तो आप मोबाइल होल्डर वाला चार्जर भी ले सकते हो या फिर अलग से चार्जर भी लगवा सकते हो। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि कई बार होता है हमारे फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और घर वाले फोन कर रहे होते हैं तो फोन लगता नहीं है। और चौथी और लास्ट चीज है ब्लूटूथ। वैसे ये एंटरटेनमेंट के लिए है, ताकि आप लॉन्ग राइड पे जाओ तो रास्ते में बोर ना हो। तो इसमें आप गाने सुन सकते हो, कॉल अटेंड कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है ये भी, आपकी राइड को और भी ज्यादा इजी बना देगा। तो मैंने अपने हेलमेट में जो ब्लूटूथ लगाया था वो 1600 का लगवाया था करोल बाग से, तो काफी अच्छा है ये। इसके साथ मिली थी मुझे 3 महीने की वारंटी और इसमें 8 घंटे का बैटरी बैकअप है, मतलब 8 घंटे लगातार आप इसमें गाने सुन सकते हो। तो मेरा पूरा दिन निकाल देता है ये, क्योंकि मैं 8 घंटे लगातार तो नहीं सुनता, जैसे 1 घंटा सुन लिया फिर 1 घंटा नहीं सुना, तो ऐसे करके पूरा दिन निकाल देता है। तो आपको मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी सुना देता हूँ। तो इसकी ऑडियो क्वालिटी सुन ली होगी आपने, वैसे ऐसे में आपको ऑडियो क्वालिटी कम लग रही होगी, पर जब आप हेलमेट पहनोगे तो आपके एकदम कान के पास आ जाएगा, फिर ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो आपको ये 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। और ये ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ हेडसेट, एक इंटरकॉम आता है वो थोड़ा महंगा आता है। वैसे आप इसकी जगह लीड भी लगा सकते हो, पर लीड लगाना सेफ नहीं है, पर जैसे मेरा हेलमेट है ये हेलमेट टाइट होते हैं तो इनमें लीड लगती भी नहीं है, और लीड पे आपका चालान भी कट सकता है। तो थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स ले लिए मैंने, अब देखते हैं एडिटिंग करके कैसे आते हैं। आपने तो देख ही लिए होंगे,
कोई गाना चलाते हैं बढ़िया सा, मूनलाइट। रेड लाइट यहाँ पे, और वो आंटी जी कहाँ खड़ी है? दूसरी आंटी भी आगे ही खड़ी है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।